ये खाने पीने के ऊपर जो हमारे धर्म शास्त्रों में इतना अधिक नियंत्रण किया गया है, उसका मूल कारण है ब्रह्मचर्य की रक्षा। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि वह तीखे पदार्थ न खाए, तीक्ष्ण पदार्थ, तीक्ष्ण रूक्ष विदाही, भीतर जलन पैदा करने वाले पदार्थ न खाए। चाय, कॉफी, ये सब भी ब्रह्मचर्य के नाशक हैं, इनका सेवन न करे। व्यसन तो बिल्कुल भी न करे, बहुत गर्म भोजन न करे और बहुत ठंडा भोजन भी न करे, ये भी मना है। अधिक दूध का सेवन भी ब्रह्मचर्य का नाशक होता है, इसलिए दूध का विधि पूर्वक सेवन करना और दूध पीने के रात्रि को दूध पीने के कम एक घंटे बाद शयन करना, बहुत गर्म चीज नहीं खानी। प्याज लहसुन इनमें क्या दोष है, आजकल के पढ़े लिखे लोग तो उनके औषधि गुण इतने बताते हैं कि कहते हैं अरे महाराज आपकी बुद्धि को हो क्या गया है, कितनी बढ़िया चीज है, हजारों लोगों रोगों की दवा यही है और सब बीमारी इसी से खत्म हो जाएगी। तो ये एम्स हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट खुलवा रही है वो क्यों खुलवा रही है, सब तो प्याज लहसुन खा रहे हैं, सब निरोग हो जाएं, काहे को डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं, काहे को हॉस्पिटल खुल रहे हैं, हैं? एक सज्जन हमको बोले ग्वालियर में, कई साल हो गए, बोले आप गाजर क्यों नहीं खाते, हमने कि हमको हमारे गुरुजी ने बताया है कि वैष्णवीय संस्कार के बाद जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती उसको नहीं खाना, तो किसी भी पवित्र देवालय में गाजर का भोग नहीं लगाया जाता है, प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए हम नहीं खाते हैं। अरे बोले तो बहुत जाने कौन सा विटामिन सी होता है कि कौन सा विटामिन होता है, आँख बहुत अच्छी हो जाती है उससे, नेत्र ज्योति बहुत फायदा करती है, और आप जूस पीजिए गाजर का, सब्जी खाइए गाजर की, सलाद खाइए गाजर का, आपको चश्मा नहीं लगेगा। बड़े गुणगान किया उन्होंने, चलो प्याज लहसुन में तो बदबू आती, गाजर में क्या दोष है। तो हमने उनको पूछा कि आप गाजर खाते हैं कि नहीं, अरे हम तो बहुत प्रिय है हमको गाजर, गाजर का सलाद खाते हैं, गाजर का हलवा खाते हैं, ऐसी कच्ची गाजर खा जाते हैं, गाजर का जूस भी पीते हैं। हमने कहा आपको तो बहुत मोटा चश्मा लग रहा है, बहुत पावर का चश्मा आपकी आँख में लग रहा है, आपका तो कुछ भी बिगड़ा नहीं, आपका तो कुछ भला हुआ नहीं गाजर खाने से। हमारे यहाँ संस्कृत में एक कहावत है, भक्षिते पि लशुने नशांतो व्याधि, किसी व्यक्ति ने लहसुन खाकर अपना धर्म तो चौपट कर दिया और व्याधि का शमन नहीं हुआ। औषधियों के सेवन में भी हमारे महापुरुष विचार करते हैं कौन सी औषधि सेवन के योग्य है, कौन सी औषधि सेवन के योग्य नहीं। इतना आग्रह क्यों आहार शुद्धि पर, इतना आग्रह केवल इसलिए क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, आहार की शुद्धि के बिना अंतःकरण की शुद्धि संभव नहीं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।